थोड़ा सा एक वीडियो बना लो 5-10 मिनट की, सर को एंड में बोलना सर हमारा भी असाइनमेंट 1 ले लें, बस इसमें क्या अरे है। यार, अरे बाप भाई, आपका मसला ये है कि आप वो ऑडियो ना इधर एक्सेप्टेबल नहीं है। सर से बोल दूंगा, सर फिर बोले आगे पंचायत करेंगे, बोलेंगे भाई जब मैं वीडियो की आपको अरबाब रिक्वायरमेंट को सर ने बोला था ना कि ना है। दोबारा हाँ, बनाना। वीडियो का बोला था, और वीडियो का बोला था, और लाइव का भी बोला था। तो ये सीन है अरबाब भाई, जरा आप कर लो इस तरीके, जितने देर में वो बना रहे हैं आप भी बना लो। ओके जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेडिशनल गोल सेटिंग के ऊपर कि किस तरह जो है वो गोल आमतौर पर सेट होते हैं, टॉप मैनेजमेंट पे गोल सेट होते हैं, और फिर ये लोअर लेवल जो हमारे पास मैनेजर्स हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो है ये होता है वो ये हो जाता है, क्योंकि जो लेवल लेवल पे लोग बैठे हुए होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट या कॉरपोरेट लेवल की जो भी प्लानिंग होती है उसके अंदर जो है ये मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेट करने वाले लोग हैं वो अपने प्लान्स को या अपने गोल्स को जो है प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से वो नीचे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते जो है उसकी क्लैरिटी खत्म हो जाती है। तो इसलिए बेहतर यह है कि वो चीज़ें रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल हों, और वर्बली जो है भेजने की बजाय रिटन डॉक्यूमेंट भी आपके पास हो, ताकि वो रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर गोल्स आप तक पहुंचे और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो भी बेहतर तरीके से जो है वो की जाए, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं जो लोअर लेवल बैठे हैं वो उस गोल्स को अंडरस्टैंड कर सके और उसको अचीव करने के लिए काम करें। देन वी हैव जी देन वी हैव दिस डायग्राम जिसके अंदर जो है वो यहाँ पे एक देखें ये यील्ड कर्व बनाई गई है, जिसमें आमतौर पर डाउन साइड ऑफ द ट्रेडिशनल गोल सेटिंग किस तरह जो है ये होता है। तो सबसे पहले देखें टॉप मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स है कि वी नीड टू इम्प्रूव द कंपनी परफॉर्मेंस। तो टॉप मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि वो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट के ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, 10%, 20%, 40%, 100%, कितना। तो ये जो है टॉप मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसी तरह फिर डिवीजन में आ जाएंगे तो मैनेजर जो डिवीजन के मैनेजर्स होते हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स के जो मैनेजर्स होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं। आई वॉन्ट टू सी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द डिवीजन प्रॉफिट। तो ये लोग अपना जो डिवीजन है, अपना जो यूनिट है, उसका जो प्रॉफिट है उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल जो मैनेजर्स होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं इंक्रीज प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ द मींस, यानी आप किसी भी तरीके से लेकिन आपने अपने प्रॉफिट को जो है वो इंक्रीज करना है। और फाइनली इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी, जस्ट वर्क फास्ट। तो आप क्वालिटी के बजाय एफिशिएंसी के ऊपर जो है, क्वांटिटी के ऊपर जो है वो काम करें। तो ये क्या है, सर ये जो लास्ट वन जो अभी आपने बताया, ये नॉन मैनेजर्स की कैटेगरी में आएंगे क्या, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं? जी बिल्कुल, ये वही लोग हैं जो कि नॉन, ये इंडिविजुअल बिल्कुल, नॉन इम्प्लाईज। मैनेजर। जी बिल्कुल, ये नॉन जी मैनेजर्स सर, ही है। तो हमने ठीक जो ठीक सर। 4 लेवल्स पढ़े थे ये वही 4 लेवल्स हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट, और फिर नॉन मैनेजेरियल इम्प्लाईज। जी सर, ये हमने टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर पढ़ा था, थर्ड वन था, और हमारा फोर्थ वन जो था वो नॉन मैनेजर्स था। जी बिल्कुल ठीक है जी। तो ये वही जो है वो ये यील्ड कर्व है जो कि यहाँ बताया गया है। तो टॉप मैनेजमेंट में जैसा कि आपने बताया कि उसमें कॉर्पोरेट डिसीजंस होते हैं, फिर उसके बाद बिजनेस लेवल के डिसीजंस होते हैं, फिर फंक्शनल लेवल के डिसीजंस होते हैं, और फिर इंडिविजुअल लेवल के जो है डिसीजंस होते हैं, और इसी तरह इनके गोल्स भी इसी तरह जो है वो डिजाइन होते हैं। तो टॉप से आमतौर पर जो है गोल्स आते हैं जो ट्रेडिशनल मैथड है उसके थ्रू। ओके जी, द मेंटेनिंग द हायरार्की ऑफ अ गोल्स, के गोल्स की हायरार्की जो है वो ऐसे मेंटेन हो ताकि गोल जो है वो आसानी से एंड तक जो है पहुंचे जा सके। तो मींस एंड चेन जो कि इसकी गोल्स की कम्युनिकेशन है, जो उसकी हायरार्की है टॉप से बॉटम की तरफ जो है उसको पहुंचने के लिए प्रॉपर एक तरीका कार, एक वैल्यू चेन, एक नेटवर्क जो है इंटीग्रेटेड नेटवर्क जो है वो होना चाहिए, जिससे आप क्लियरली अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आप बॉटम तक पहुंचा सके। तो इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ द गोल्स दैट रिजल्ट फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग अ क्लियरली डिफाइंड हायरार्कीकली
हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो बेहतर यह है कि जब आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हायरार्की है वो प्रॉपर बनी हुई होगी कि जो गोल्स हैं नंबर वन पे कहाँ डिजाइन होंगे और नंबर टू पे वो कहाँ तक वो गोल्स जो है कम्युनिकेट किए जाएंगे और फिर उसके नीचे कौन किसको कम्युनिकेट करेगा, अगर इसकी प्रॉपर हायरार्की डिजाइन होगी तो गोल प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाएंगे। अचीवमेंट ऑफ लोअर लेवल गोल्स इज द मींस बाय विच टू रीच हायर लेवल गोल्स। तो देखिए जब भी आप हायर लेवल गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आम तौर पर जो उसकी अचीवमेंट का तरीका है वो ये है कि आप लोअर लेवल गोल जो है वो अचीव करें। जब लोअर लेवल गोल्स अचीव होंगे तभी आप हायर लेवल गोल की तरफ जा सकेंगे, क्योंकि असल में जो वर्किंग क्लास है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो आपके फंक्शनल और इंडिविजुअल लेवल के जो लोग हैं वो बैठे हुए वो काम करेंगे, और अगर वहां पर ही गोल्स आपका क्लियरली कम्युनिकेट नहीं होगा तो फिर वो जो काम कर रहे होंगे उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं होगा। जो टॉप मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव बनाए थे उनके साथ उसका फिर जो है इंटीग्रेशन या उसके रिलेशनशिप या उसकी एसोसिएशन नहीं होगी। इसलिए इंडिविजुअल जो भी काम करेंगे उससे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को बेनिफिट देना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप लोअर लेवल तक भी जो है क्लियरली गोल्स जो है वो उन्हें एक्सप्लेन करें, और इसका तरीका ये है कि आपकी जो हायरार्की है गोल की कम्युनिकेशन की वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये एक कंसेप्ट है मैनेजमेंट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, जिसको MBO कहते हैं, जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर बिलीव करती हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है कि टॉप मैनेजमेंट गोल बनाती है और फिर वो लोअर लेवल पे गोल्स जो है वो कम्युनिकेट किए जाते हैं, दैट इज बेसिकली MBO, दैट इज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स आर जॉइंटली डिटरमाइंड बाय द एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स। ये एक इसके अंदर अच्छी बात है कि जब गोल्स बनते हैं तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिजाइन किए जाते हैं, जिसमें एम्प्लॉइज का इनपुट भी लिया जाता है, मैनेजर्स का इनपुट भी लिया जाता है, और फिर उसके बाद जो है आप अपने जो गोल्स हैं उन्हें बनाते हैं। अब ये जो गोल्स होते हैं, खासतौर पर जब आप इंडिविजुअल को गोल असाइन करते हैं तो उनकी मर्जी के खिलाफ आप गोल असाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा गोल असाइन नहीं कर सकते जो वो अचीव ही ना कर सके, या वो एम्प्लाई उसे एग्री ही ना करता हो कि ये पता नहीं अचीवेबल है भी या नहीं है। तो इसलिए आप मैनेजर्स और एम्प्लाईज दोनों बैठकर ये डिसाइड करें कि ये कमिंग ईयर्स के क्या गोल हो सकते हैं। फिर प्रोग्रेस पीरियोडिकली रिव्यू, जो भी प्रोग्रेस है, जो परफॉर्मेंस है, उसे जो है पीरियोडिकली 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, उसकी कोई एक पीरियड होना चाहिए कि ये गोल्स है इतने अर्से बाद उसकी प्रोग्रेस को चेक किया जाएगा, फॉर्मली चेक किया जाएगा। इनफॉर्मली तो जो मैनेजर्स होते हैं वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं चीजों को, लेकिन 1 महीने बाद आपके उस गोल्स को रिव्यू किया जाएगा कि वो जो गोल आपने को दिया गया था उसकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है, क्या वो अच्छी प्रोग्रेस है, बुरी प्रोग्रेस है, एवरेज प्रोग्रेस है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी चीज में ट्रेनिंग की आपको जरूरत है, कोई टूल्स आपको रिक्वायर्ड है, क्या है। तो वो इसलिए आप मंथली या वीकली या जो भी आप मीटिंग रखना चाहें वो मीटिंग जो है आप रख लें और उसी के बेसिस पर आप इसको करें। देन जो प्रोग्रेस हो रही है उसको आपने रिवार्ड भी करना है, रिवार्ड्स आर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस। तो रिवार्ड्स अगर नहीं होंगे किसी चीज के अंदर तो इसका मतलब ये होगा कि वो प्रोग्रेस नहीं होगी, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं हो सकेंगे। तो खासतौर पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर तो ज्यादातर जो एम्प्लॉइज हैं वो इसलिए अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं कि उनको रिवार्ड्स दिए जाए, उनको इंसेंटिव्स दिए जाए, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट दी जाए, उन्हें प्रमोशंस दिए जाए। तो अच्छे परफॉर्मर जो है वो हमेशा ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उनको जो है अच्छा इंसेंटिव और अच्छे रिवार्ड्स भी दिया जाए, तभी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर अच्छे रिवार्ड्स या इंसेंटिव नहीं होंगे तो वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं करेंगे। तो इसलिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको प्रॉपर ऑब्जेक्टिव डिजाइन करने होंगे और उनके जो
रिवार्ड्स हैं अगर कोई टाइमली उन उन गोल्स को अचीव कर लेता है, टारगेट्स को अचीव कर लेता है, तो आपको उसको रिवार्ड भी करना चाहिए ताकि वो और बेहतर और अच्छे तरीके से काम कर सके। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के की जो है एलिमेंट्स जो है वो ये है कि नंबर वन पे गोल स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, यानी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए गोल के अंदर, कोई बहुत ही सुपरफिशियल गोल नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा गोल नहीं होना चाहिए जो कि सर से गुजर जाए, समझ ही ना आए। तो गोल ऐसा होना चाहिए जो कि आपको बहुत ही क्लियर हो और आप उसे अंडरस्टैंड कर सके, आप उसे समझ सकें। अगर आप गोल गोल को आप समझ नहीं सकते तो इसका मतलब यह है कि आपको अगर गोल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो फिर आप उसको अचीव कैसे करेंगे। तो इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि गोल जो है वो क्या है और उसको हम किस तरह जो है अचीव कर सकते हैं। ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट है। इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। यानी आप इसकी जो डिसीजन मेकिंग करें, जो गोल बनाएं या गोल असाइन करें, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर हो और म्यूचुअल बेनिफिट पर हो, जिसमें कंपनी का भी फायदा हो और एम्प्लाई का भी फायदा हो। कंपनी और एम्प्लाई दोनों का अगर फायदा होगा तभी जो है आप एक अच्छा काम जो है वो कर सकेंगे और आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेंगे। अगर ये नहीं होगा तो शायद फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया होना चाहिए, एन एक्सप्लिसिट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पीरियड उसका होना चाहिए। भाई 4 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद आप जो है वो जो परफॉर्मेंस होगी उसको आप रिव्यू करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे कि आप किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पीरियड भी डिफाइन होना चाहिए और फिर फीडबैक भी देनी चाहिए। कि फीडबैक का मतलब ये है कि आप बताएं कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है या आपकी एवरेज परफॉर्मेंस है या बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है या पुअर परफॉर्मेंस है। तो ये आप उससे जब शेयर करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, आप इसे इम्प्रूव करें, तो हो सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उसके पास स्किल्स ना हो तो आप उसकी ट्रेनिंग कराएंगे। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उसके पास नंबर ऑफ एम्प्लाईज कम हो जिससे उसका काम ना हो रहा हो, तो ये भी आप नंबर ऑफ एम्प्लाई प्रोवाइड करेंगे। ये हो सकता है कि उसके पास टूल्स अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग हैं काम करने वाले और 3 कंप्यूटर दिए हुए, तो एक बंदा फारिग बैठा रहता है, तो हो सकता है कि वो जो टूल है कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो वो आप प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह कोई जो है वो टेलीफोन का मसला है या कोई और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है या कोई ऑफिस का मसला है, तो वो तब आप कर सकेंगे जब आपको फीडबैक दिया जाएगा। आप इंडिविजुअल भी फीडबैक दे सकता है अपना और जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी अपना फीडबैक देख सकती है कि क्या प्रोग्रेस जो है वो चल रही है, और उसी की बेस पर ही ये आगे होगा। ये 5 स्टेप्स हैं जो कि MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में आमतौर पर जो है वो लिए जाते हैं। तो ये आमतौर पर जो है जो 6ठा इसके अंदर चीज आपको नजर आ रही है वो दोबारा जो है उस इवैल्यूएशन की तरफ जाना या दोबारा ऑब्जेक्टिव को वो करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर वो है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रिव्यूड, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उन्हें रिव्यू किया जाए, देखा जाए, उसकी असेसमेंट की जाए, और असेसमेंट करने के बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें डिसाइड किया जाए। तो सबसे पहले जो चीज़ डिसाइड करनी है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और उनको डिसाइड करने के लिए प्रॉपर इंटरनल और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन की जाएगी, जिसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। आप करेंगे पूरा स्वॉट एनालिसिस। आप में से कितने लोगों को पता है कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? किसी को मालूम है स्वॉट एनालिसिस का? नो सर। ओके, स्वॉट एनालिसिस जो होता है ये शॉर्ट फॉर्म है 4 चीजों का। एस से बनता है स्ट्रेंथ, यस सर, ठीक है, और डब्ल्यू से बनता है वीकनेस, ओ से बनता है अपॉर्चुनिटी, और टी से बनता है थ्रेट्स। तो स्वॉट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो होती हैं वो आमतौर पर इंटरनल एनालिसिस होता है, यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये उसका एनालिसिस होता है।
या अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो ये आपका अपना एनालिसिस होगा कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या क्या है। इसको इंटरनल इवैल्यूएशन फैक्टर भी कहते हैं। तो ये इंटरनल फैक्टर्स जो है उनको आपने देखना है कि आपकी कंपनी के पास फाइनेंस बहुत है, ये आपकी स्ट्रेंथ होगी। आपकी कंपनी के पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब जो एम्प्लॉइज वहाँ काम करते हैं वो कॉम्पिटेंट है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये दूसरी स्ट्रेंथ है। तीसरी स्ट्रेंथ ये है कि ये नहीं है, वीकनेस है आपके पास कि आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, ये आपकी जो है वीकनेस है। ये इंटरनल जो है इवैल्यूएशन हो रही है, आपकी कंपनी की इंटरनल इवैल्यूएशन चल रही है जिसकी बेस पर आप ये फैसला कर रहे हैं कि आपकी कंपनी जो है उसकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी है और उसकी वीकनेसेस कौन कौन सी है। फिर आप वो एक्सटर्नल की तरफ चले जाएंगे। एक्सटर्नल एनालिसिस में एक इंडस्ट्री का एनालिसिस होता है, एक इकोनॉमी का एनालिसिस होता है। इंडस्ट्री के एनालिसिस के अंदर आप इंडस्ट्री के जो कंपेटिटर्स हैं उनको एनालिसिस करते हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ को एनालिसिस करते हैं, इंडस्ट्री में जो अपॉर्चुनिटीज होती है उसको एनालिसिस करते हैं। और फिर आप इकोनॉमी की तरफ जाते हैं जिसमें आप इकोनॉमी की ग्रोथ को देखते हैं, इन्फ्लेशन को देखते हैं, टैक्सेस की सिचुएशन देखते हैं, इसी तरह सोसाइटी को देखते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखते हैं, टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को देखकर आप एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। फिर एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर आप थ्रेट्स देखते हैं कि आपकी कंपनी के लिए थ्रेट्स कौन कौन से हैं, और आप ये देखते हैं कि कंपनी में यहाँ पर जो है एक्सटर्नली अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल है। तो आपके पास जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके आप थ्रेट्स को कम करते हैं और अपॉर्चुनिटी को कैश करते हैं। तो इस तरह जो है ये स्वॉट एनालिसिस के थ्रू जो है आप ये कर रहे होते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस के थ्रू आप जो अपॉर्चुनिटी आपको नजर आएंगी उसके मुताबिक आप जो है क्या बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव आपने डिजाइन कर लिए, वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एम्प्लाईज के ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यूनिट लेवल पर, फिर डिपार्टमेंट लेवल पर, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पर। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर ऑब्जेक्टिव जो है वो जहां हमने इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो जो टॉप मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव थे वो अल्टीमेटली जाकर इंडिविजुअल एम्प्लाईज के ऑब्जेक्टिव जो है वो बन गए। तो इसी तरह टॉप मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बनाएंगे और फिर वो इंडिविजुअल गोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये रात इंडिविजुअल गोल्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब ये इंडिविजुअल गोल्स में कन्वर्ट होंगे तो फिर जो है आप इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे वो डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। शर्त यह है, कंडीशन यह है कि ये ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली कम्युनिकेट किए जाएं टू द एम्प्लाइज। तो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स जो है जो एम्प्लाई काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली लिंक करते हो, वो डायरेक्टली इंटीग्रेटेड हो टू वर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अगर ऐसा ना हुआ कि इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से अलाइन ना हुए तो इसका मतलब है हो सकता है कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव उससे अचीव नहीं होते हैं क्योंकि इंडिविजुअल किसी और डायरेक्शन में काम कर रहे थे और ऑर्गेनाइजेशन किसी और डायरेक्शन में सोच रही थी। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं होंगे। ओके जी, जब आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद आप उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, यानी जो कंटिन्यूस प्रोग्रेस होगी उसको आप मॉनिटर करेंगे कि जो एम्प्लाइज है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना है और इसी तरह परफॉर्मेंस को कंट्रोल करके ये कोशिश करनी है कि जो उनको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव जो है उनको अचीव कर लें विद इन अ टाइम, और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों को जो है वो सामने रखकर वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। ये आपकी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग जो है होती है प्रोग्रेस के ऊपर, जो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। फिर आप फाइनली जो पीरियड आप डिसाइड करते हैं, फर्ज करो कि 6 महीने बाद आप
जाकर चेक करेंगे कि जी इसने कितना अच्छा परफॉर्म किया या कितना बुरा परफॉर्म किया, वो आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में देखेंगे। प्रोग्रेस मॉनिटरिंग जो है दैट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस, जो कि सुपरवाइजर जो होता है वो डेली बेसिस पे इसको लुक आफ्टर कर रहा होता है कि वो अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है ये, तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव आपको दिया था उसके ऊपर है कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, तो ये इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलेगा। जब अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के थ्रू आपको पता चलता है कि कौन सा एम्प्लाई अच्छा परफॉर्मर है और कौन सा एम्प्लाई जो है पुअर परफॉर्मर है, तो अच्छे परफॉर्मर और पुअर परफॉर्मर को सामने रखकर आपने उन अचीवर्स को, जो अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग हैं, उन्हें आपने रिवॉर्ड करना है। तो जब तक आप उन्हें रिवॉर्ड नहीं करेंगे उस तब तक वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। और फाइनली फिर MVO फॉर द नेक्स्ट ऑपरेटिंग पीरियड बिगिंस। तो जब यहाँ फाइनल रिवॉर्ड कर देंगे लोगों को, तो फिर आप अगले साल का दोबारा जो है वो आप अब जो है ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। साल के शुरू में ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बनता है, वो ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल में इंडिविजुअल को कम्युनिकेट होता है और इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, और फिर इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनकी जो प्रोग्रेस होती है उसको मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, फिर उसको असिस किया जाता है, और असिस करने के बाद उसको जो भी अचीवर्स होते हैं उन्हें उसका रिवार्ड दिया जाता है। और फिर इसी तरह अगले साल या अगले 6 महीने या अगले टर्म का जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसकी तरफ आप चले जाएंगे। कोई सवाल आपका इसके ऊपर हो तो पूछ सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप पूछना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, तो आप ये कर सकते हैं डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा ख्याल है। तो ये कुछ स्टेप्स है इन अ टिपिकल MBA प्रोग्राम। MBA प्रोग्राम के कुछ जो है वो स्टेप्स होते हैं जिनको आपने जो है फॉलो करना है। तो ये 8 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी आर फॉर्मुलेटेड। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसकी जो स्ट्रेटेजीज होती है, उसे सबसे पहले बनाया जाता है। नंबर 2 पे मेजर ऑब्जेक्टिव आर एलोकेटेड अमंग द डिवीजन एंड द डिपार्टमेंट। या हम अभी थोड़ी देर पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनको डिवीजन और डिपार्टमेंट के अंदर जो है एलोकेट कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। देन नंबर 3 पे जो यूनिट मैनेजर्स होते हैं वो कोलैबोरेटिवली सेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर देयर यूनिट्स विद देयर मैनेजर्स। तो जो यूनिट का मैनेजर होता है वो अपने मैनेजर्स को साथ बिठाता है और फिर वो अपने उस यूनिट के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं जो कि डिपार्टमेंटल या डिविजनल ऑब्जेक्टिव से लिंक करते हैं। जो भी डिवीजन से उन्हें ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं फिर वो अपने डिपार्टमेंट के लिए उन ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। फिर वो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स होते हैं यानी एम्प्लाइज उस डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, उन एम्प्लाइज में वो ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और हर एक बंदे को उसका अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो असाइन कर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव इस तरह असाइन किए जाते हैं ताकि जो उस डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव किए जा सके। इसलिए हर एक को इस तरह के ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। देन नंबर 5 पे एक्शन प्लान, जिसमें डिफाइनिंग हाउ ऑब्जेक्टिव आर टू बी अचीव्ड आर स्पेसिफाइड एंड एग्रीड अपॉन द मैनेजर एंड एम्प्लॉइज। तो आप ये डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होंगे, कौन सी स्ट्रेटेजीज बनेंगी उसको अचीव करने के लिए, और वो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, स्पेसिफाइड करते हैं, जिसकी बेसिस पर जो इंडिविजुअल होता है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा या उसे चेक किया जाएगा। उन स्टैंडर्ड को डिफाइन करेंगे दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, एम्प्लाइज और मैनेजर दोनों बैठकर ये फैसला करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कैसे अचीव होंगे और उसको मेजर करने का तरीकाकार क्या होगा। फिर नंबर 6 पे एक्शन प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड। तो नंबर 6 पे आप उस प्लान को जो कि आपने डिसाइड किया उसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर प्रोग्रेस टूवर्ड द ऑब्जेक्टिव इज पीरियोडिकली रिव्यूड एंड फीडबैक इज प्रोवाइडेड। तो आप क्या करेंगे कि जो भी एक पीरियड डिसाइड होगा उस पीरियड के अंदर जो है आप उसको रिव्यू करेंगे और अपना फीडबैक देंगे टू द एम्प्लॉइज। और फाइनली जो है जो भी अचीवमेंट्स हैं, सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज रीइंफोर्स परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड्स। तो परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड की तरफ जो है आप बढ़ जाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जो है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव को
मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को जो है यहाँ पर डिसाइड किया गया है। तो नमाज कितने बजे होती है अभी वासिफ? जी सर, सर अब 5:15 पर होती है इधर जमात, अच्छा जो ठीक अजानें तो हो गई हैं। है, तो बस 3-4 मिनट बाद फिर हम जो है थोड़ा सा और ये जब तक चलता है तो फिर हम जो है इसे कंटिन्यू करते हैं, फिर जी सर, आपको जी 5:15 बजे आप नमाज अदा कर लें। सर, जी ओके जी, सर, उसके बाद हमारे पास है जी, डज एमबीए वर्क? क्या एमबीए काम करता है या ऐसे ही खाली जो है किताबी बातें हैं? क्या इससे कोई फायदा होता है या नहीं होता? तो इसके सक्सेस के जो रीजंस हैं वो यहाँ बताए गए हैं। तो पहला रीजन ये है कि इसके अंदर जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसकी कमिटमेंट और उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ही ये गोल बनाती है। और फिर इसके अंदर दूसरी जो कमिटमेंट होती है वो इंडिविजुअल की भी होती है और उसकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है, क्योंकि उसको साथ लेकर उसके जो गोल्स होते हैं वो असाइन किए जाते हैं, उसी के साथ बैठकर उसके स्टैंडर्ड्स और कंट्रोलिंग के मैकेनिज्म जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। इसलिए अब वो भी इंडिविजुअल भी इसमें शामिल हो जाता है। तो जब आपका इंडिविजुअल की कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट हो और टॉप मैनेजमेंट की भी कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट हो, तो इसका मतलब ये है कि आप वो चीज़ सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से जो है हम ये कहते हैं कि ये एक एमबीए जो है वो एक अच्छा जो है वो तरीक़ेकार है जिससे आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर सकते हैं। डेफिनेटली हर जो मैकेनिज्म है या तरीक़ेकार है या जो मेथड है उसके कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स भी होते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी उनको भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला है ये कि आर लेस इफेक्टिव इन डायनामिक इन्वायरमेंट। अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर कंटिन्यूस चेंजेस आ रही हैं, मुस्तकिल चेंजेस आ रही हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसी सूरत हाल में ये जो प्लान है, ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, ये वर्कआउट उस तरह इफेक्टिवली नहीं करेगा। करेगा वर्कआउट लेकिन इफेक्टिवली वर्कआउट नहीं करेगा। डेफिनेटली अनसर्टेनिटी की सूरत में जो प्लान्स होते हैं वो आमतौर पर बहुत कम वर्कआउट करते हैं इफेक्टिवली। तो इसलिए ये भी एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर अगर कोई आपका जो है डायनामिक एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जो कंटिन्यूअस चेंजेस आ रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसकी बेसिस पर आपका ये प्लान जो है इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। ओवर एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल अकम्प्लिशमेंट में क्रिएट प्रॉब्लम विद द टीम। यानी आप क्योंकि इसके अंदर इंडिविजुअल्स की बात करते हैं और इंडिविजुअल्स के ऊपर भरोसा करते हैं कि इंडिविजुअल अकम्प्लिशमेंट की बात करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इंडिविजुअल अगर अलग अलग काम करते रहेंगे तो उससे ये चांसेस हैं कि जो टीम वर्क है वो नहीं होगा, और जो टीम वर्क में प्रॉब्लम आएगा तो आप प्रॉपर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये गोल है, वो अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए टीम वर्क जो है उसके ऊपर भी फोकस अगर करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। इसके अंदर और थर्ड प्रॉब्लम ये है कि इसमें राइटिंग का काम बहुत है, बहुत सारा टू मच पेपर वर्क है। तो पेपर वर्क क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, तो इसलिए जो रिटन डॉक्यूमेंट हो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको काम भी रिटर्न में करना पड़ेगा, तो आपको काफ़ी सारा काम जो है इसमें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और फायदा इसका ये है कि टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट सब लोग इसमें शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, सब कमिटेड होते हैं कि ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि अगर डायनामिक इन्वायरमेंट है, कंटिन्यूस चेंजेस इन्वायरमेंट में आ रही है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। इंडिविजुअल पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, टीम बिल्डिंग के ऊपर या टीम के कंसेप्ट पर या टीम अचीवमेंट के ऊपर बात नहीं होती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, इसके अंदर पेपर वर्क पर ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम हो जाता है, तो वक्त ज़ाय होता है जब आप जो है इस तरह की कोई सिचुएशन में आते हैं। ये वेल रिटन गोल्स किसको कहते हैं कि अच्छा गोल्स को लिखने का तरीकाकार क्या है, अच्छा गोल हम किसे कह लेंगे? सबसे पहले तो उसका पहले जो फीचर है वो रिटन टर्म ऑफ आउटकम्स रादर देन एक्शंस। तो आप जब गोल लिखें तो वो बजाय इसके कि वो जो एक्शंस होते हैं उसके ऊपर आपकी तवज्जो हो, बल्कि आप आउटकम्स की बात करें। आप बात करेंगे जी 10% प्रॉफिट मार्जिन आपने अर्न करना है, आप इसकी बात ना करें कि वो कैसे अर्न किया जाएगा, इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे आउटकम्स की। एक्शन
ये हम बात नहीं कर रहे, तो सबसे पहले जब आप गोल्स बनाएं तो आप आउटकम्स की बात करें ताकि क्लियर हो, फिर उसको मेजर करने के लिए क्वांटिफाइबल, वो मेजरेबल भी होना चाहिए और क्वांटिफाइबल भी होना चाहिए, यानी वो जो गोल्स आपने बनाया है उसको चेक किया जा सके, उसे मेजर किया जा सके, उसे कैलकुलेट किया जा सके, उसे क्वांटिफाई किया जा सके। अगर उसे क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब यह है कि आपका गोल प्रॉपर और सही नहीं है। उसका जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम है जो डिसाइड किया जाए, वो टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बताना जरूरी है कि 4 महीने में कंप्लीट करना है, 6 महीने में करना है, 1 साल में करना है, 2 साल में करना है। तो जब तक आपका टाइम जो है वो फ्रेम नहीं होगा उस वक्त तक, क्लियर टाइम फ्रेम नहीं होगा उस वक्त तक आपको पता नहीं चलेगा, वरना 1 साल का गोल 2 साल में अचीव होगा। तो टाइम फ्रेम क्लियर होना चाहिए, ये एक अच्छे गोल्स की निशानी है। फोर्थ नंबर पे ये है कि चैलेंजिंग येट अटेनेबल, यानी आपका गोल ऐसा ना हो कि आपको लगे यार ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। चैलेंजिंग होना चाहिए गोल, आप कहेंगे हाँ हो तो जाएगा लेकिन बड़ी मेहनत का काम है, इतनी आसानी से नहीं होगा ये। तो चैलेंजिंग होना चाहिए और अटेनेबल होना चाहिए, रिटन डाउन होना चाहिए, वह जबानी कलामी बात नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट रिटन में जो है होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोगों को वेल कम्युनिकेट होना चाहिए, सब लोगों को ये कम्युनिकेट हो ताकि वो सब लोग मिलकर उस गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक काफ़ी है, अब हम नमाज की ब्रेक लेते हैं और नमाज की ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा क्लास को कंटिन्यू करेंगे 5:20 के ऊपर। तो 15 मिनट का ब्रेक है, नमाज पढ़िए और उसके बाद 5:20 पर हम क्लास को दोबारा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। ओके जी।